CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkad Bazar, Solan 9816078655। नालागढ़ में बने प्री फैब्रिकेट मैक्सशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण 10 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया जाएगा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल भी इस अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में 4 मैक्सशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं। हालांकि प्रदेश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन सरकार फिर भी महामारी से निपटने के लिए तैयार है और भविष्य में अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो अस्पताल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएमओ सोलन ने नालागढ़ का दौरा किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 मैक्सशिफ्ट अस्पताल बनाने का फैसला लिया था, जिसमें से एक नालागढ़ क्षेत्र के लिए भी मंजूर किया गया था, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते और यहां से मरीजों को शिफ्ट करने में काफी परेशानी पड़ रही थी, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने मैक्सशिफ्ट अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे। इस अस्पताल को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा तैयार कर दिया गया है और 10 तारीख को इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला है। मैं डॉक्टर गगन, कोविड नोडल ऑफिसर फॉर कोविड बीबीएन के लिए हूँ। ये जब हमारे यहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा बहतियात में बढ़ रहे थे, तो सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि कुछ स्थानों पे कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, जिनमें नालागढ़ भी एक था। तो यहाँ पर ये 45 बेड का हॉस्पिटल जो है, इसका काम जो है आपके 14 नवंबर के आसपास शुरू हुआ था, जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रुड़की है उनको सौंपा गया था। तो उनके द्वारा ये जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है जो अस्पताल खड़ा गया है, इसमें हमारे पास आईसीयू की 10 बेड की सुविधा है, जिसको हम थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, 18 तक कर सकते हैं। साथ में टोटल बेड जो है 45 है, 45 के 45 पे ऑक्सीजन का सुविधा अवेलेबल है। तो इसमें स्टाफ भी आएगा, अतिरिक्त स्टाफ की भी नियुक्ति होगी। ये सारा जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है कोविड की महामारी को देखते हुए, कि आगे या हमारे यहाँ पर संख्या बढ़ती है, क्योंकि उस टाइम पर यह देखा गया था कि जैसे हमें अपने पेशेंट जो हैं बीबीएन एरिया से बाहर भेजने पड़ते थे, तो उनके रेफरल में टाइम बहुत लगता था। एम्बुलेंस की सुविधा थी, लेकिन जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे थे उस हिसाब से मुश्किल हो रहा था। कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई थी, तो उन सबको देखते हुए ये किया गया है, ताकि हम जो डेथ रेट है उसको कर्व करके रखें। तो यही सब कुछ है। और इसका जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं माननीय, वो 10 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे वर्चुअली, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी ऑनलाइन ही इस उद्घाटन में जुड़ेंगे, और इसका जो संभवत उद्घाटन है वो 10 फरवरी को ही होगा। हाँ, इसमें आपके एसी भी है, क्योंकि आईसीयू बेड जो है वो कहीं पे भी हो वो एसी होता है, तो एसी की सुविधा भी इसमें है। और ये जो है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो आपको मेटल दिख रहा है, ये 2 टीन की जो परतें हैं उसके बीच में इंसुलेशन होती है। तो ये आप जब अंदर जाएंगे भी, तो अभी आपको पता चल जाएगा अनुमानित जो यहाँ पर अभी टेम्परेचर बाहर है, आज थोड़ा धूप वाला है तो यहाँ थोड़ी गर्मी है, लेकिन आपको अंदर गर्मी में नहीं महसूस होगी। इसमें एग्जॉस्ट भी लगे हैं, इसमें गीज़र वगैरह भी हैं, टॉयलेट की सुविधा सब कुछ ही है इसमें। ये मैं डॉक्टर राजन उपल, सीएमओ सोलन, आज नालागढ़ ब्लॉक में आया हूँ, और ये हमारा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना है। इसका जो बनना शुरू हुआ था वो 14 नवंबर से हुआ था, और अब इसको लोकार्पण किया जाएगा इसका 10 फरवरी को, तो उपराष्ट्रपति जी दिल्ली से वर्चुअल इसका करेंगे। ये बेसिकली सरकार ने, क्योंकि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, और इस एरिया को, बीबीएन एरिया को देखते हुए, क्योंकि रेफरल भी यहाँ से दूर होना हो रहा था, तो उसको देखते हुए सरकार ने ये सुविधा यहाँ पर ही दी कि अगर केसेस हमारे और बढ़ते हैं तो मरीजों को कोई तकलीफ ना हो। इसमें ये नॉर्मल नहीं है, इसमें तकरीबन टर्शरी केयर की सुविधा दी जा रही है, जिसमें 45 बेड हैं, 45 में से 10 बेड जो हैं वो हमारे आईसीयू के बेड हैं, जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। CNN News brought to you by Smart। विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान, आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, सोलन।